दोस्तों आज की कहानी है देवर से शादी। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पप्पू चिल्लाते हुए, भाभी ओ भाभी मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रहा है, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? भाभी, जी देवर जी हो गया है, अभी लाई, ये लीजिए आपका टिफिन। पप्पू मुस्कुराते हुए, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। भाभी मुस्कुराते हुए, आप भी तो पूरे घर का ख्याल रखते हैं। ठीक है भाभी, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, आते वक्त कुछ लाना तो नहीं है? कुछ हरी सब्जियाँ ले लीजिएगा। ठीक है, ले लूँगा। तभी मुन्ना और मुन्नी आ गए। मुन्नी ने कहा, चाचा हमारे लिए लॉलीपॉप लेते आना। ठीक है मुन्नी, लेता आऊँगा। इतना कहकर पप्पू काम पर चला गया। वह रोज सुबह 9 बजे तक काम पर चला जाता और शाम को 7 या 8 बजे तक आता था। पप्पू के काम पर चले जाने के बाद रोज रश्मि यही सोचती कि देवर जी की अभी तक शादी नहीं हुई, फिर भी वो घर की जिम्मेवारियों को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। जिस लड़की के साथ देवर जी की शादी होगी वो बहुत खुश नसीब होगी। रश्मि की शादी को 6 साल हो चुके थे, उसके 2 बच्चे थे जिसमें लड़की 3 साल की और लड़का 2 साल का था। एक देवर और एक बूढ़ी सास थी। ससुर जी का स्वर्गवास हो चुका था। रश्मि का पति रमेश 1 नंबर का शराबी और गजेड़ी था। उसके दिन की शुरुआत दारू और गांजे से ही होती थी। जो भी कमाता सब पीने में ही खत्म कर देता। उसे अपने बच्चों और पत्नी की कोई परवाह नहीं थी। उसे मतलब था तो सिर्फ अपनी पत्नी के शरीर से। वह रात में नशे की धुत में आता और रश्मि के शरीर से उसके मर्जी के खिलाफ खेलता था। रश्मि कुछ कहती तो धमकी देता कि तुझे छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगी, तेरे मायके में भी तेरे कंगाल बूढ़े माँ बाप के अलावा कोई नहीं है जो तेरा बोझ उठा सके और तेरी देखभाल कर सके। रश्मि के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप वह सब कुछ सहती थी। रश्मि की जिंदगी को रमेश ने एकदम नरक बना दिया था। कभी कभी तो उसको आत्महत्या करने को मन करता, लेकिन फिर सोचती मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चे कैसे रहेंगे। यह सोचकर आत्महत्या का ख्याल दिल से निकाल देती। एक दिन रश्मि का पति रमेश नशे की हालत में धुत मोटरसाइकिल से बाजार से घर आ रहा था, तभी ट्रक के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घर में मातम छा गया। हालांकि उसके रहने ना रहने से रश्मि को कोई सुख नहीं था। काम क्रिया बीतने के 6-7 महीने बाद रश्मि की माँ रश्मि से मिलने उसके ससुराल आई। रश्मि की माँ ने उसके सास से कहा, रश्मि अभी जवान है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और ऊपर से 2 बच्चों को पालना भी है, बिना किसी सहारे के वो पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ कहिए ना, रश्मि के सास ने कहा। क्यों ना रश्मि की शादी पप्पू से करा दी जाए, दोनों बच्चे और आपकी बहू आपके ही घर में रह जाएंगे, आपके घर की इज्जत आप ही के घर में रहेगी। यह सुनते ही रश्मि की सास अंदर ही अंदर खुश हो गई, जैसे वो यही चाहती हो। उन्होंने पप्पू और रश्मि दोनों को बुलाकर एक दूसरे से शादी के बारे में पूछा तो दोनों ने इनकार कर दिया। फिर पप्पू की माँ ने दोनों को समझाते हुए कहा, देख बेटा बहू खूबसूरत है, जवान है, उसकी शादी कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी, लेकिन क्या उसका पति तेरे भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दे पाएगा? इन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। यही बात उन्होंने बहू को भी समझाया और दोनों को राजी कर लिया। एक मंदिर में जाकर दोनों की शादी हो गई। दोनों ने खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं और रश्मि की सास भी खुश है कि बहू और दोनों बच्चे उसके साथ हैं। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।